इस वीडियो को देखे बिना चिमनी ना खरीदें। भले आप अपनी चिमनी ऑनलाइन खरीद रहे हो या ऑफलाइन खरीद रहे हो, इन पांच चीजों का ध्यान जरूर रखें। पहली चीज, साइज ऑफ योर चिमनी। इंडिया में मेजरली दो साइज की चिमनी आती है, या तो 2 फिट या तो 3 फिट। और अगर आपके पास छोटा बर्नर है तो आप 2 फिट की चिमनी लगाइए, और अगर आपके पास बड़ा बर्नर है 3 से 4 बर्नर वाला तो 3 फिट की चिमनी लगाइए। सेकेंड, पावर ऑफ द चिमनी। चिमनी की सक्शन पावर 700 क्यूबिक मीटर से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर तक आती है, और इंडियन किचन में 1200 से लेकर 1400 तक रिकमेंडेड रहती है। तीसरी बात, स्टाइल ऑफ चिमनी। अब आपके किचन डिजाइन के हिसाब से आप अलग अलग स्टाइल की चिमनीज खरीद सकते हैं। जैसे अगर आपको कवर्ड चाहिए पूरा, तो आप फ्लैट चिमनी में जाइए, बहुत छोटा सा पार्ट विजिबल होगा, रेस्ट पूरी कवर्ड हो जाएगी। अपनी चिमनी शोकेस करनी है तो आप ऐसी डायगोनल चिमनीज में जा सकते हैं, ये बहुत एलिगेंट लुक देती है और आज में बहुत ज्यादा ट्रेंडी है आजकल। चौथी बात, चिमनी का एग्जिट पॉइंट। डक्ट वाली चिमनी पे जा रहे हैं तो आप अपने पाइप को पहले ही प्लान कीजिए, और अगर आपके पास पाइप प्लान करने की जगह नहीं है तो आप एक डक्टलेस चिमनी ऑप्शन में जा सकते हैं, वो भी एक बहुत फीजिबल ऑप्शन होता है। फिफ्थ, मेंटेनेंस ऑफ योर चिमनी। इसमें मेजरली दो टाइप की चिमनी आती है, एक तो जो रेगुलर फिल्टर वाली आती है जिसमें आपको फिल्टर को क्लीन करना पड़ता है, और इंडियन किचन के हिसाब से आपको हर महीने क्लीन करना पड़ता है। और दूसरा ऑप्शन है ऑटो क्लीन वन, जिसमें अपना पूरा ऑयल जाके पीछे कनेक्ट हो जाता है, उस अपन चेंबर को निकाल के साफ कर सकते हैं सिंक के नीचे, वापस लगा सकते हैं, तो आपका जो मेंटेनेंस में खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है। साल में एक बार बुला लिया तो बुला लिया। आपके लिए कुछ और स्पेशल टिप्स, कोशिश कीजिए आपकी जो चिमनी है वो आपके कुक टॉप से 32 से 36 इंच के हाइट पे रहे, उससे ज्यादा में वो अच्छी फंक्शनिंग नहीं पड़ती। अगर आप एक पाइप वाली चिमनी लगा रहे हैं, जो डक्ट वाली चिमनी बोलते हैं, तो उसमें कोशिश कीजिए बहुत ज्यादा बेंड ना आए, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग पूरी ज्यादा खराब हो जाती है। उसको बहुत अच्छे से प्लान करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक डक्टलेस चिमनी में जा सकते हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपको अगर बहुत तेज आवाज पसंद नहीं है चिमनी की, तो एक नॉइस कैंसिलेशन मशीन आती है जो आपके चिमनी के ऊपर लग जाती है, वो आप अपनी चिमनी के साथ खरीद सकते हैं, तो वो बहुत वॉइस को रिड्यूस कर देता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप एक अच्छी चिमनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने किचन में एसी भी लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा, तो आप होम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़े रहिए हमारे साथ।